जी हाजरीन और नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी साजिद और मांगा मंडी बैतनिया चर्च में प्रोग्राम जिंदगी का कलाम लेकर आपकी खिदमत में नए मजमून के साथ और नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा जो मजमून है वो है, अय्याम पे आप पढ़ रहे हैं, पेशनगोइयां और उनकी तकमील। तो हमारे दरमियान आज के जो हमारे मेहमान हैं, मैं उनका तारफ करवाता चलूं। जनाब आली जनाब पादरी रशीद इकबाल साहब, जिनका ताल्लुक मांदा मंडी लाहौर से है, और उनके दाएं तरफ बैठे आली जनाब एवेंजलिस्ट मेहताब गिल साहब, जिनका ताल्लुक साहिवाल से है। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम। ये जो मजमून हमारे सामने है, इसकी रहनुमाई में खुदा के कलाम में गौर करते हुए मुख्तलिफ जो पेशनगोइयां हैं, ये पेशनगोइयां जो हैं मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ खुदा के नबियों ने पैगंबरों ने ये की हैं। जैसे पहली ही पेशनगोई जिसको माना जाता है पैदाइश की किताब के तीसरे बाब की 15वीं आयत में मरकूम है। मैं आपके सामने इसको पढ़ना चाहता हूं। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को काटेगा या एड़ी पर काटेगा। सो सवाल ये है, ये कैसे पेशनगोई है जबकि ये तो खुदा ने सांप को हवा को बहकाने की सजा सुनाई थी। आली जनाब पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस अच्छे प्रोग्राम के लिए कि आपने ये अरेंज किया है कि बैठे हैं और फिर इस तरह की बातें जो हैं उनको हम एक दूसरे के साथ शेयर करें, उनको बयान करें, सीखने की कोशिश करें। और दूसरे नंबर पर जो हमारे सुनने वाले हैं उनकी खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं। अब रही बात इस आयत मुकद्दसा की, तो यहाँ लिखा गया कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत करूँगा। सो एक नस्ल की बात होती है, औरत की नस्ल की बात है। औरत को सजा दी जा रही है या सांप को सजा दी जा रही है। और हम जानते हैं कि दुनिया में नस्ल का जब हम जिक्र करते हैं तो ये मर्द से होती है, ये औरत से नहीं होती, मर्द से होती है। तो यहाँ औरत की नस्ल का जिक्र है और फिर जमा और वाहद के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। लिखा गया कि वो तेरे सर को, पहले नस्ल की बात होती है और फिर वो तेरे सर को कुचलेगा। वो जो है इसका इशारा दोनों की तरफ है, जैसे ये और वो। सो वो का इशारा दोनों की तरफ है, इसका मतलब है कि वो जो सर को कुचलने वाला है वो अभी दूर है, इसी वक्त वो आएगा जो तेरे सर को कुचलेगा। क्योंकि हमारा मानना ये है कि असल बात सांप की नहीं थी, सांप में कोई और शख्स था, वो कोई और हस्ती थी जो उसमें हो के बात कर रही थी। इसलिए हमारे लिए जो नए अहदनामे में जब हम तकमील की बात सुनते हैं तो फिर ये होता है कि हमारा खुदावंद औरत से पैदा हुआ है। गलतियों के खात के चौथे बाब की चौथी आयत में लिखा है कि हमारा खुदावंद, और उस रसूल ने लिखा है कि हमारा खुदावंद औरत से पैदा हुआ। जब वक्त पूरा हो गया, देखिए ये बड़े ध्यान करने की बात है कि जब वक्त पूरा हो गया
तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। सो बात वाजे हो जाती है कि खुदा ने कोई वक्त मुकर्रर किया है, कोई वक्त ठहराया है। सो उस वक्त को वक्त का इंतजार होता है, तो जब वो पूरा हो गया है तो फिर खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया जो औरत से पैदा हुआ। इसलिए हमारा ईमान, हमारा यकीन इसी बात पर है। दूसरी बात जो ये है कि हमारी जो तारीख है उसमें हमारे उलमा ने यही इस जो माना है, और क्रिसिया में हमारा ईमान यही है कि इस आयत मुकद्दसा का ताल्लुक जो है वो हमारे खुदावन से है जो औरत की नस्ल से है। जी नहीं, यहाँ पे जो मैं मेरे नजदीक जो साफ बात वो दिखाई दे रही है वो तो ये देखें, ये तो एक प्लान होना चाहिए खुदा का, और ये अचानक जब गुनाह हुआ है, जब उसने बहकाया है और एक गुनाह के मुर्तकब बने हैं, तो उस वक्त ये सजा के तौर पे, मेरा सवाल ये है कि ये तो सजा के तौर पे पेशेंगोई के लिए तो पहले से मतलब खुदा का प्लान होता है कि मैं ये करूंगा, एक मंसूबा है, तो ये तो अचानक लग रहा है। जैसे जो हमने आयत मुकद्दसा गलतियों के खात के चौथे बाब में पढ़ी है उसमें लिखा कि जब वक्त पूरा हो गया, तो इसका मतलब है कि खुदा ने ये पहले से ठहराया है, पहले से मुकर्रर किया है, इसलिए जब वो वक्त पूरा हो गया तो फिर खुदा ने अपने बेटे को भेजा है जो सांप के साथ को कुचलेगा, यानी इबलीस के साथ को कुचलेगा, कुचलने वाला। पादरी महताब साहब से मेरी गुजारिश है कि क्या ये मंसूबा था, यही मंसूबा था जो खुदा ने उस वक्त इस पैदाइश के हवाले में जो बयान मिलता है वो किस तरह से पूरा होता है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी जिंदगी का कलाम, और आपका उनवान जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि पादरी रशीद इकबाल साहब फरमा रहे थे कि ये खुदा का प्लान है, और बेशक ये खुदा का प्लान ही है, क्यों कि खुदा ने जो है वो औरत से बात की, और खुदा ने औरत को सिर्फ उस वक्त के बारे में नहीं आने वाले वक्त के बारे में भी बता दिया। तो जैसे आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि जो आने वाले वक्त के बारे में बात की जाती है वो पेशेंगोई ही कहलाती है, तो यहां से एक बात तो साबित होती है कि ये पेशेंगोई है। दूसरा, क्या ये मसीहा के मुतल्लिक है या नहीं वो हमने चेक करना है। बाइबल मुकद्दस बता रही है 3:15 में पैदाइश की कि मैं तेरी नस्ल, औरत की नस्ल और तेरी नस्ल में अदावत डालूंगा। इट मींस के इबलीस जो है वो हमारा दुश्मन है, वहां से अदावत से जाहिर होता है। और उसके बाद जो है वो खुदावंद ने कहा, खुदा ने कहा कि वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। सो यहां पर जब खुदा बात करता है तो एक शख्स के बारे में बात कर रहा है। अगर खुदा औरत की नस्ल के हवाले से बात करता, यानी कि जमा में बात करता, तो यूं कहता कि वो तेरे सर को कुचलेंगे और तू उनकी एड़ियों पर काटेगा। सो यहां पर बात एक फर्द वहद की हो रही है, किसी एक शख्स की हो रही है जो आएगा और सांप के सर को कुचलेगा और सांप उसकी एड़ी पर काटेगा। सो एक शख्स की बात हुई है, अगर ये एक शख्स की बात ना होती तो बिल्कुल पेशेंगोई ना होती। सो यहां से हमें एक पेशेंगोई मिलती है कि एक मसीहा आएगा और उस अबलीस के खिलाफ जो है वो ये काम करेगा कि उसके सर को कुचल देगा। और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, सांप का एड़ी पर काटे जाने से इंसान बच सकता है, लेकिन जिस जानवर या किसी इंसान का सर कुचला जाए वो हरगिज नहीं बच सकता। अच्छा महताब साहब, यहाँ पे जो एक सिलसिला है उस हिस्से का, तहरीर का, उसमें पहले सर को कुचलना है और उसके बाद उसकी एड़ी पर काटने का जिक्र है। जी बेशक। तो ये किस तरह से है? देखिए, सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने जान देने से पहले अबलीस को जो है वो शिकस्त दी। सलीब पर जान देने से पहले ये हुआ। वो कैसे? यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। सो तमाम होने का मतलब यह है कि जो मंसूबा, जिस मंसूबे से मसीहा आया था वो उसने पाया तकमील तक पहुंचाया और वो पूरा हो गया। उसने अबलीस के सर को कुचल दिया और वो उसकी एड़ी पर काटेगा। आपके और मेरे मसीहा ने तो पूछा मौत सही, ये एड़ी पर काटे जाने के जो है वो बिल्कुल मुशाबिह है।
और जब एड़ी पर कोई सांप काटता है तो आप भी जानते हैं दर्द होती है, तकलीफ होती है, जख्म होता है, और यीशु के भी जख्म छेदा गया, उनके भी सांप पर थे। वो ये था कि ये पेशनगोई है मसीहा के आने के मुताबिक। अब बात रही औरत की नस्ल की, सो सारी दुनिया इससे वाकिफ है, बल्कि बहुत सारे मजाहब भी इस पर हमारे साथ मुत्तफिक है, बाइबल मुकद्दस के साथ मुत्तफिक है कि यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो कुंवारी से हुई, और इसकी पेशनगोई भी हमें पुराना अहदनामा में मिल जाती है कि देखो एक कुंवारी हमला होगी। सो ये पुराने अहदनामे की पेशनगोईयां हैं, और ये बिल्कुल जो है वो पेशनगोई खुदा यीशु मसीह में हमें पूरी होती हुई नजर आती है, और ये हुई है। तो आपका कहना है कि ये उस वक्त पेशनगोई पूरी हुई जब खुदा यीशु मसीह शैतान पर गालिब आता है। जी बेशक, और उसके हर हरबे पर वो गालिब आता है, यहाँ तक कि नजात का जो मंसूबा खुदा का था उसके तहत मसीह ने अपनी जान दी, अपना खून बहाया। बेशक शैतान ने बड़ी कोशिश की कि पहले ही इस में किसी न किसी तरह से रुकावट का बायस बने, लेकिन खुदा का मंसूबा मसीह में पूरा होता है। बेशक जी, मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे न्यू लाइफ ट्रस्ट के चैनल को देखते हैं और बरकत पाते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको इस पर कमेंट करें, इसको दूसरों के साथ शेयर करें। जब आप कमेंट करेंगे हमें मालूम होगा कि आपकी क्या आरा है, और दूसरों के साथ शेयर करने से खुदा का कलाम आगे दुनिया में फैलेगा। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और मौजू पर खुदावंद के कलाम में से बात करें तो वो भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।